शकुंतला से तुम शादी करना चाहते थे, इसलिए प्रीति को तुम साफ करना चाहते थे रास्ते से, और मर गई शकुंतला। बड़ा बदमाश आदमी नहीं देखा हमने जो बीवी को मार डाले नई शादी करने के लिए? ऐसे क्रिमिनल माइंडेड आदमी को बेल क्यों मिलना चाहिए? शकुंतला थी ना? जी श्रीमान, शकुंतला से इनके अवैध संबंध थे। शकुंतला को मारने के लिए ले गए, उससे शादी करने को शकुंतला ने कहा मुझसे शादी करो, उन्होंने मना कर एक औरत को मार संबंध बना, अभी मार दिया उसको। जी और बदमाशी देखो, नाम लिखवाया प्रीति का, और तेरहवीं में प्रीति की फोटो लगवाई और प्रीति खाना बनवा रही है। आई एम पेयरिंग फॉर पीरियड ऑफ कस्टडी। मार कितने साल हो गए इनको? हो गए मतलब 6.5 साल से ऊपर हो गए साहब, वो आ जाएगी रिपोर्ट। नहीं नहीं, तुम हो कौन? आपका नाम बताइए, आप ऑफिस बताइए, और कब से आप जेल में हैं ये बताइए, घटना कब की ये बताइए। ड्यूरिंग द ट्रायल रहे साहब। घटना कब की है? घटना है 13 फरवरी 2016। और जेल में कब से हैं ये? जेल में है साहब ड्यूरिंग ट्रायल रहे सर 31/3/16 से 8/5/17। अरे पूरा बताओ ना। साढ़े छः साल। और ऑफेंस क्या है? ऑफेंस है इनिशियली तो 304A का था, फिर बाद में ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन 304A। हाँ इनिशियली तो सर एक्सीडेंटल रिपोर्ट हुई थी। हाँ फिर बाद में ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ये पाया गया कि ये इनने मतलब डेथ का वो किए, तो 302 में रजिस्टर्ड हुआ, 302 में कन्विक्शन हुआ। अच्छा हाँ। क्या नाम है आपका? राम सिंह सर। और जो मरने वाला कौन है? वो सर ये इनकी वो है सर शकुंतला नाम था। शकुंतला मरने वाला शकुंतला है? कुसुमा और शकुंतला। कुसुमा और शकुंतला पत्नी आपकी? नहीं सर, पत्नी तो इनकी प्रीति है। ये यही है सर, इसी वजह से कन्विक्शन हुआ। यही गलती हुई सर कि एक्चुअल में शकुंतला की डेथ हुई है, और पता नहीं क्यों साहब समझ में नहीं आ रहा, भगवान जाने प्रीति का नाम लिखा दिया था। और जब इन्वेस्टिगेशन हुआ आप ये पता लग गया कि प्रीति जिंदा है। राम सिंह है ना आप? हाँ राम सिंह। प्रीति आपकी वाइफ है? हाँ सर। अच्छा और शकुंतला सर वो ऐसा प्रोसिक्यूशन का ऐसा कहना है कि ये उनसे शादी करने वाले थे। किससे? शकुंतला से। प्रीतम वही कारण ही था, शकुंतला से तुम शादी करना चाहते थे, इसलिए प्रीति को तुम साफ करना चाहते थे रास्ते से, और मर गई शकुंतला। तो मेरी वाइफ है सर। हाँ तो जब तक रास्ता साफ ना होगा शकुंतला आएंगी कैसे? मेरा कहना था कि अब कहना क्या, तुमसे बड़ा बदमाश आदमी नहीं देखा हमने जो बीवी को मार डाले नई शादी करने के लिए? ऐसे क्रिमिनल माइंडेड आदमी को बेल क्यों मिलना चाहिए? सर इस पर ऑक्युलर एविडेंस जो आई है सर। अब वो तो कहो धोखे से शकुंतला मर गई। शकुंतला मरी है ना? ड्यू टू एक्सीडेंट सर, वो जो इंजरी है। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, तुम गए थे मारने प्रीति को और मर गई शकुंतला। ना हो लेकिन ऐसा है सिचुएशन, अदरवाइज शकुंतला को मारने क्या उचित था भाई? जिससे तुम साथ फेरे लेने की तैयारी में थे उसे काहे मारोगे तुम? इसलिए मेरा निवेदन था एक्चुअल पीरियड ऑफ कस्टडी आ जाता तो एक्चुअल पीरियड ऑफ कस्टडी। अब उधर दर्शन करके सतमुख शकुंतला लौट रही थी? नहीं साथ में थे सर दोनों। और इसमें इनिशियली तो सर 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा बना था, मोहर सिंह, वृंदावन और राम सिंह। ट्रायल कोर्ट ने मोहर सिंह को, तुम शकुंतला के पास गए क्यों? तीनों ट्रायल कोर्ट ने सर तीनों की कंस्पायरेसी नहीं मानी, केवल मेरे को जिम्मेदार माना और मेरे को कन्विक्शन दिया। अगर केस पढ़ो तुम पैरा 3 में देखो, पढ़ो उसको संक्षेप में। अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि आरोपी राम सिंह ने दिनांक 13/2/16 को 22:30 बजे थाना सिरोल में इस आशय की मौखिक सूचना प्रधान आरक्षक वीर सिंह यादव आशा 17 को दी कि वह अपनी पत्नी प्रीति सिंह को मोटरसाइकिल क्रमांक MP 30
MC 7289 पर बैठाकर जोरासी मंदिर पर दर्शन के लिए गया था। दर्शन करके लौटते समय हाईवे से होकर अपने घर वापस जा रहा था। जैसे ही नैनागढ़ तिराहे के आगे 200 मीटर पर पहुंचा, तभी उसकी पत्नी प्रीति सिंह को उल्टी जैसा होने लगा। तब उसने गाड़ी को सड़क के किनारे खड़ा किया और उसकी पत्नी प्रीति सिंह सड़क के किनारे बैठकर उल्टी करने लगी। वह मोटरसाइकिल का प्लग देख रहा था। उसी समय रात 8 बजे के लगभग अज्ञात बोलेरो स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी के चालक ने गाड़ी को बड़ी तेजी व लापरवाही से चलाकर पीछे से आकर उसकी पत्नी प्रीति सिंह को उसे टक्कर मारते हुए टोल प्लाजा तरफ भाग गया। टक्कर से उसकी पत्नी सड़क के किनारे करीब 5 फुट नीचे जाकर गिरी, जिससे उसके सिर व शरीर पर गंभीर चोटें आईं, खून निकला। उसे भी गर्दन व घुटने पर चोटें आईं। तो मरने वाली प्रीति है जी? नहीं सर, शकुंतला है मरने वाली। अभी ये कहाँ से आई? ये चोट लग गई, फिर क्या हुआ? श्रीमान, इन्होंने जिसकी रिपोर्ट की अपनी प्रीति के नाम से रिपोर्ट की, मरी थी दूसरी महिला, यही गलती कर दी थी इनके अभेद संबंध का लिखा देता, कुछ नहीं होता था, एक्सीडेंटल डेथ है। थाने पर जिस जिसकी रिपोर्ट करने गए, वहां थाने पे तो इस बात के लिए है, शांत रहो 2 मिनट। थाने पर जो रिपोर्ट करने अपनी प्रीति के नाम से गए कि मर गई हमारी पत्नी, तो थाने पे एक आरक्षक था, तो बोले आप कहाँ के रहने वाले? इन्होंने अपनी पूरी पूरी डिटेल बताई, मेरी पत्नी बोले यहाँ की है। जब थाने जो आरक्षक था उसने संबंधित अपनी ससुराल में फोन लगाया कि प्रीति नाम की जो मेरे भी ससुराल पड़ोसी पड़ोसी, उन्होंने कहा, उन्होंने फोन लगाया तो बोले प्रीति तो जिंदा है, आपने किसको मार दिया? जब 304 ए का जो एक्सीडेंटल केस था उसको फिर पूरी जांच के बाद 302 में कन्वर्ट। तो मरने वाली शकुंतला थी ना? जी श्रीमान, शकुंतला से इनके अवैध संबंध थे। शकुंतला को मारने के लिए ले गए, उससे शादी करने के, शकुंतला ने कहा मुझसे शादी करो, उन्होंने मना कर दिया। लास्ट सीन का भी है पूरा एविडेंस और पूरा इसमें डिटेल में आया, और इन्होंने पूरा उसका अंतिम संस्कार वगैरह सब अपनी प्रीति के नाम से किया, फोटो लगाया कि हमारी पत्नी है। तो 13वें उसी फोटो लगाई, प्रीति की फोटो लगाई जो अंतिम संस्कार के लिए, हाँ पत्नी की लगाई थी फोटो। 13वीं में तो फोटो प्रीति की लगी, 13वीं की लगी, 13वीं की, हाँ श्रीमान ने प्रीति की लगाई थी इन्होंने 13वीं वाले दिन। हाँ, सब और खाना भी प्रीति ने बनवाया था। खाना नहीं हो पाया था उसके पहले ही पुलिस ने इनके खिलाफ। सर इसी बात से ट्रायल कोर्ट ने नाराज हो गए, और कोई फाइंडिंग नहीं है सर, केवल नाराज हो गए। तुमसे बड़ा बदमाश आदमी नहीं है कोई, नाराज हो गए। जबरदस्ती के लिए मार डाला उसको सर, वो अलग ही एज पर ऑकुलर एविडेंस, ऑकुलर एविडेंस कुछ नहीं, तुम वहां खुराफाती, वहां शरारती, वहां दुष्ट, एज पर PW15 बताओ। एक औरत को मार, संबंध बना है, अभी मार दिया उसको जी। और बदमाशी देखो कि नाम लिखवाया प्रीति का, हाँ। और 13वीं में प्रीति की फोटो लगवाई और प्रीति खाना बनवा रही है। मायके वालों ने कहा मेरी बेटी तो जिंदा, इन्होंने किसको मार दिया है? तब पूरी जांच हुई, जांच में इनका पूरा नाम सर, जाओ ऑर्डर लिखा हुआ क्या बताओ।